मंदिर के ऊपर में पहुंचत लेते हालत खराब हो गए संगवारी हो, इतना ज्यादा खराब कि पूरा पसीना पसीना में पूरा टी शर्ट मन घलो फिंग गए और पूरा पूछ मत, कम से कम एक सांस में चढ़े है ना मना, गर्मी के दिन है तबो दे अवे करे बड़े जान घंटे। जय माता दी। संगवारी हो व्यू पॉइंट, ये देखो पूरा पहाड़ मन आप मतलब दिक्कत हुई, जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो जय माँ दंतेश्वरी। चलो इसे दंतेश्वरी माता जी के दर्शन करते हैं। और ये देखा तो संगवारी पूरा ये हरे बड़े बड़े पत्थर हो, आप मतलब डोंगा पत्थर दिखाए बर जात हूँ, पूरा पहाड़ में हवन और घाम के मारे तो गोड़ हाथ मन कर जरा थे का बताऊ मैं। तो ये दे संगवारी हमन आ गए हैं डोंगा पथरा में, ये दे ऐसे टाइप के है, तो जय जोहार जय हिंद साथियों। ये जो ब्लॉग से छत्तीसगढ़ चैनल में आप जम्मू जन के फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और नया ब्लॉग वीडियो में, और आज के ब्लॉग वीडियो में मैं आप मल्ला दिखाऊँ खल्लारी, खल्लारी माता के दर्शन कर रहा हूँ, वहाँ चल गो आज मेला भरा थे, आज है हनुमान जयंती 23 अप्रैल के, 23 अप्रैल के खल्लारी में मेला भरा थे 3 दिन के, तो अभी मैं हूँ महासमुंद में और पीछे में देखूँ तो ये हरे अशोका बिरयानी हाउस यही वाला जगह है, अभी रायपुर में फिलहाल अभी बंद चला थे होकर अभी, तो वही जगह हूँ संगवारी। और यहाँ से अगर खल्लारी के दूरी की बात करे जाए तो यहाँ से है 25 किलोमीटर, और रायपुर से आऊँ तो आप मतलब 80 किलोमीटर, और गरियाबंद से आत हो ना तो आप मतलब बढ़ी 150 किलोमीटर की दूरी में खल्लारी माता के मंदिर। तो चलो संगवारी देरी नहीं करन, और अब्बड़ घाम वाम तक हो गए, 12 बज गए और महू हाँ घाम में आऊँ, तो अभी सीधा सीधा चलते हैं खल्लारी माता के दर्शन के लिए, तक तब बने रहो ब्लॉग वीडियो में। ये दे संगवारी हमन पहुंच गए हैं खल्लारी में, खल्लारी माता मंदिर करा, और ये दे साथ में जीजा जिला लाओ हाँ धर के भैया महासमुंद ले ढूंढत ढूंढत, और ये सब पीछे देखूँ तो कि पूरा दुकान उकान लगे है, और ये देखो पीछे में है ये दे माता रानी जाए के रास्ता। तो चलो संगवारी पीछे कैमरा से आप मतलब पूरा दिखाते हुए चलूँ, आज है हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में का है तेला। छत्तीसगढ़ में अनेक मंदिर और ऐसे शहरों का नाता रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इन्हीं में से एक मंदिर है माँ खल्लारी का मंदिर। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर महाबली भीम और राक्षसी हिडम्बा का विवाह संपन्न हुआ था, जिसके बाद माँ खल्लारी का मंदिर बनाया गया। प्राचीन काल में इस जगह को खलवाटिका के नाम से जाना जाता था। माता के दर्शन के लिए भक्त को करीबन 842 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो 100 सीढ़ी से आगे आगे हम संगवारी हो, यदि आप मन देखा था नंबर पूरा दिखते छे, कितना देर में पहुँचबो तेल देखथन। और यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ बकरा लेके घलो आए है भेंट चढ़ाए बन, हाँ तो बकरा वकरा दे जाते यहाँ भी भेंट, जैसे आप मतलब पिछले वीडियो में दिखाए रहे हो निरई माता में 5000 बकरा। हेलो हेलो हेलो, हाय जय माता रानी, जय माता दी, जय माता रानी। वो ये देख सकता संगवारी हो श्री राम जी कन्मूल बिकत है 10 से 20 रुपया, और ये दे बेंद्रा महाराज है, ये दे बैठे भैया प्रसाद अरसाद लाऊ तो इला दे दू, नहीं तो ये झपटे पड़ते, रास्ता में बहुत दौड़ाते भैया, 5 साल पहले आए रहे हो तो दौड़ाए रही कस के,
ये साल नहीं दौड़ा है। और घाम जब बहुत ज़्यादा हो गए संगवारी को, सुबह कन तो मौसम एकदम सुहाना रही से, लेकिन अभी तो पूरा बदल गए। खल्लारी माता मंदिर के अलावा यहाँ पर भीम चूल्हा, भीम का नाव की जगह भी मौजूद है। वही गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में माँ खल्लारी का निवास था। यहाँ माता का कन्या रूप धारण कर खल्लारी में लगने वाले हाट बाजार में आया करती थी। इसी दौरान हाट बाजार में आया बंजारा माता के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसका पीछा करते हुए पहाड़ी पर पहुंच गया, जिससे माता बुरी तरह क्रोधित हो गई और उन्होंने बंजारे को श्राप देकर उसे पत्थर में बदल दिया और खुद भी माँ वहाँ विराजमान हो गई। देखो संगवारियों, ये देख मस्त कुमकुम मल्ला कैसे सजाए गए, ये देख बड़े बड़े पत्थर टाइप ये देख रखे गए हैं परात मन में और छोटे छोटे डिब्बों में बेचते संगवारियों। ये देख कोई टीका ईका लगा थो तो ये देख बेचा थे। ये देख मस्त है यार, एक बार नया टीपा में रखे है इसे लगे संगवारियों। टीपा में पूरा पोते दे है गुलाल ला बंधन ला और छोटे छोटे डिब्बिया में बेचे जाते, तो टीका लगा तो आप मन ले सकते हो। सामने जब मैं अपना चढ़े चढ़े ताऊ संगवारी होता एक रखी ये माता के मूर्ति रखे गए जय माँ चेचकी माता करके, और ये दाई दीदी मना चढ़ा थे आराम से। कहाँ से आओ? बोरी से आओ, चढ़ो चढ़ो। पहुंच गए का थी ऊपर नहीं पहुंचे? पहुंच गए भैया, ले लेट रहे। हाँ हाँ नीचे में ले हम खाओ। पहुंच गए? हाँ हाँ के सब सीढ़ी है 842 सीढ़ी। हाँ और बच्चे थोड़ा से 90 सीढ़ी। हाँ अच्छा, ये कौन से मुनि हरे? हाँ अभी दिखी से वेदव्यास महाराज जी, इनसे धुनी रमा लेट रहे भैया नारियल। वो साइड ले उड़न खटोला लग के का जी, अभी 90 सीढ़िया वो बचे है संगवारी हो, ओकर बाद हम ऊपर में चल लेबो माता रानी का मतलब दर्शन करा था। और उड़न खटोला बन गई से लगत है ये पारी खल्लारी माता मंदिर में, और ये जगह ले पूरा आप मन व्यू के नज़ारा ले सकते हो। ये जगह ले पूरा आप मतलब और 5 साल पहले आ रहे हो तो यही जगह में फोटो खिंचवा रहे हैं फैमिली के साथ, और वो वाला फोटो है तो अब नहीं है। और ये देख सकते हो आप मन उड़न खटोला, ये दे तैयारी हो गई है खल्लारी धाम में। डोंगरगढ़ में जैसे लगे वैसे यहाँ भी ये दे तैयारी हो चुके हैं। और ये देखो उड़न खटोला के काम जोर शोर से चला थे, ये आप मन देख सकते हो। एक डिब्बा अभी भी हटके है और वहाँ पे नीचे में सीधा आप मला दिखा था ये हरे उतरे की जगह। हाँ और वहाँ पास मेला लगी होते गांव में, ताज लगी भीम खोज में मेला, तो वो दे आप मन देखा तो वो आकाश झूला लग चुके नाइट में जगह दिखी भी, अभी तो फुल घाम है। तो 710 सीढ़ी के बाद आहू ना तो आप मन लगे सामने में मिली टंकी, एक पानी वानी आप मन भर सकते हो पिए पाए बस, और पानी के छिड़कना भी कर सकते हो। उसके बाद हम चलबो आगे ये दे समथिंग 100 या 90 सीढ़ी और बचे हैं माता रानी के दर्शन करे बस, तो बहुत जल्द आप मन मिला था एक पानी छिड़क लेथन पहली। और ये देख सकते हो संगवारी वो दादाजी है नारियल बेचे थे जस्ट मंदिर के सामने में है, और जस्ट आप मना हूँ यहाँ तक तय कर दादाजी कर नारियल ले लूँ। ये देख बुजुर्ग आदमी है
आप मन जरूर लू। दादाजी की उम्र पूछो तो 65 के आसपास हुई है नहीं? नहीं भाई 50 है। तो तेत मोल्ले जवान हो गए 50 की थे। तो चलो संगवारी आगे चलता। जय माँ खल्लारी, जय माता दी। अवे दे शिव शंभु जी के मूर्ति, हर हर महादेव। तो मंदिर के ऊपर में पहुंचत ले हालत खराब हो गए संगवारी हो, इतना ज्यादा खराब कि पूरा पसीना पसीना में पूरा टी शर्ट मन घलो फिंग गए और पूरा पूछ मत, कम से कम एक सांस में चढ़े है ना मना, गर्मी की दिन है तब से अवे करे बड़े जान घंटे। जय माता दी। चलो तब माता रानी के दर्शन तो हो गए संगवारी हो, खल्लारी माता जी के अवेदे और माता विराजमान है नौ खल्लारी देवी। जय माता दी। और एक आप मन देख सकते हो पूरा तिरछूल मन है ये लगे हुए है और सामने में देवत है प्रसाद नीचे वाला खल्लारी माता मंदिर पर, और सहयोग राशि भी आप मन दान कर सकते हो अपन इच्छा से। जय माँ दंतेश्वरी। चलो इसे दंतेश्वरी माता जी के दर्शन करथन। और ये देखा तो संगवारी वो पूरा ये हरे बड़े बड़े पत्थर ये आप मन देखा तो दोनों साइड हवा है बहुत बड़े पत्थर मना और महाराज जी बैठे है। जय महाराज। अवे अजय संगवारी एक मोटा मोटा आदमी मन है नहीं नहा सके लेकिन हम नहा गो भैया बिछलते। जय माता दी, जय माँ दंतेश्वरी। ये देखो संगवारी हो एकदम नीचे माँ जाल पड़ी सरकरा रास्ता ले। चलो चलता दंतेश्वरी माता के लिए। जय माता दी, जय माँ दंतेश्वरी। साइड ले आप मतलब बेहतरीन नजारा दिखा था संगवारी हो एकदम मस्त वाला। और ये कर है शेर गुफा ऐसे टाइप की, ये देखो ये साइड है शेर गुफा आप मतलब शेर गुफा के दर्शन करा लो हमें। ये साइड पूरा व्यू पॉइंट है आप मतलब व्यू पॉइंट के नजारा चलो देखते हैं। और ये साइड देखो भैया पूरा चट्टाने चट्टाने पूरा पहाड़ के ऊपर में हवन और ये साइड से पूरा नज़ारा दिखते वो सामने वहाँ पूरा पहाड़ दिखत हुई और ये कर मोर भालू मोर चीता मोर हाथी हमर जीवन साथी कहा थे यानी कि पहाड़ पर्वत में आप मन तो जानते हो जंगली जानवर तो देखते ये ओकर वास है। और बाघ बहरा में जाऊँ तो आप मतलब भालू भालू देखे मिली आप मतलब बहुत जल्द वहाँ के भी दर्शन कराऊँ। और ये साइड है भीम पाँव फोन से पाँव कैसे लगी संगवारी हो आप मतलब खल्लारी माता के दर्शन करा होते हैं
अगर वीडियो पसंद आई सोई तो एक लाइक करूँ और जो चैनल में नया आता हूँ वो चैनल ला सब्सक्राइब करूँ। बहुत जल्द आप मतलब मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।